संतन की सत्संग से अधम जीव तरी जाए, लकड़ी के संबंध से लोहा पानी में उतराए, लकड़ी के संबंध से लोहा पानी में उतराए। रे मन कर साहेब से प्रीत, रे मन कर साहेब से प्रीत, कर साहेब से प्रीत, रे मन कर साहेब से प्रीत, ऐसा समय बहुरी ना पई हो, ऐसा समय बहुरी ना पई हो, जई है अवसर बीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, सुख संपत्ति सपने की बतिया, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तृण पर सीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, जाहि करम परम पद पावे, जाहि करम परम पद पावे, सोई करम करो मीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, सोई करम करो मीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, शरण आई सो सब ही उबारे, शरण आई सो सब ही उबारे, यही साहिब की रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब ने जिस साहब से प्रेम करने के लिए कहा है वो कोई हाथ पैर वाला साहब नहीं है। सद्गुरु कबीर का साहब तो घट घट वासी राम है, आत्मा राम, जिसे उन्होंने कहा है हृदया बसे तेहि राम न जाना। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। इसलिए अपने आप से प्रेम करें। जो अपने आप से प्रेम करता है वो साफ से प्रेम करता है, क्योंकि जैसा मेरा स्वरूप दिव्य अविनाशी निर्मल चेतन तत्व है वैसे ही दूसरों का भी स्वरूप है। इसलिए वो ईर्षा द्वेष अहंकार आसक्ति में पड़ करके किसी दूसरे को दुख नहीं देता है, और काम क्रोध लोभ मोह में पड़ करके अपने आप को भी दुख नहीं देता है। इसलिए सच्चा साहब जो आपका स्वरूप है उससे प्रेम करें। उससे प्रेम करने का मतलब है अपने कर्मों में पवित्रता लाएं, मन में शांति तभी आएगी, और व्यवहार में पवित्रता प्रेम तभी आएगा जब हम प्राणी मात्र को भगवान समझेंगे।
उसी के लिए साहब कहते हैं करु साहब से प्रीति। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चली हम भव जल जीत रे मन, कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।